प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज मुंबई में 1,000 करोड़ रुपए की पूंजी वाले देश के पहले महिला बैंक का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। देश भर में इस बैंक की खुलेगी 7 शाखाएं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महिला बैंक को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल बताया। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार बैंकिंग सेक्टर को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए है प्रतिबद्ध। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान खत्म सुचारू ढंग से मतदान के लिए सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। 72 सीटों पर 843 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक चुनावी सभा में विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अगर देश बदलना है तो गरीबों और आम लोगों की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में अलवर में एक चुनावी रैली में कहा कि विकास के मार्ग में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। चुनावी जंग से गुजर रहे 5 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त निगरानी दलों ने अब तक 16 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चिट फंडों को नियमित करने के लिए कोई तंत्र विकसित करने के बारे में केंद्र सरकार, आरबीआई और सेबी को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कैंपाकोला परिसर में अनधिकृत फ्लैटों के निवासियों को 31 मई 2014 तक मकान खाली करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस, भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों के विदेशी चंदों की जांच करने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल आज 8वें दिन। सरकार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की धमकी देते हुए एस्मा लगाने की बात कही। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल को दिया जाएगा इस साल का प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 96वीं जयंती पर समूचे राष्ट्र ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि श्रीलंका में 2009 में कथित तौर पर हुए मानवाधिकारों के हनन के मामले में होनी चाहिए विश्वसनीय जांच। सेंसेक्स 40 अंक चढ़कर 20,890 पर हुआ बंद, जबकि निफ्टी 14 अंक ऊपर उठकर 6,203 पर हुआ बंद। नासा ने मंगल की कक्षा के लिए नया अंतरिक्ष यान भेजा। इस अभियान का मकसद इसके वातावरण और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरल पानी के गायब होने की वजह का पता लगाना है। विश्व शतरंज चैंपियंस में गत विजेता विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच आज खेली गई 8वीं बासी ड्रा। 36 चालों के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर हुए सहमत। 12 बासियों के इस मुकाबले में आनंद फिलहाल 2 अंकों से पीछे।